के नाम पर भड़की थी जया, फिर मारी पलटी। अब कंगना रनौत ने एक्ट्रेस को पढ़ाया फेमिनिज्म का पाठ। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी चर्चा में बनी हुई है। इस फिल्म की रिलीज डेट टाल दी गई। फिल्म के प्रमोशन में जुटी कंगना रनौत ने बॉलीवुड के कई सितारों पर निशाना साधा है, जिनमें से एक जया बच्चन भी है। एक्ट्रेस ने जया बच्चन के एक पुराने बयान पर रिएक्शन दिया है। डॉट कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी की रिलीज डेट टल गई है। अब ये मच अवेटेड फिल्म 6 सितंबर को रिलीज नहीं होगी। एक्ट्रेस इन दिनों अपनी इस फिल्म के प्रमोशन में जी जान से जुटी हुई है। वह इमरजेंसी के प्रमोशन के दौरान बैक टू बैक विवादित बयान दे रही है। हाल ही में उन्होंने दिग्गज एक्ट्रेस जया बच्चन को आड़े हाथों लिया है। गैंगस्टर एक्ट्रेस ने फीवर FM को दिए इंटरव्यू में जया बच्चन को फेमिनिज्म नारीवाद का पाठ पढ़ाया है। दरअसल बीते दिनों जया बच्चन का एक वीडियो काफी वायरल हुआ था, जिसमें वह सभापति पर नाराज होते दिख रही थी। इस नाराजगी का कारण था कि सभापति ने जया बच्चन को पति अमिताभ के नाम से बुलाया था। इसके बाद एक्ट्रेस का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने कहा कि क्या महिलाओं की अपनी पहचान नहीं है। हालांकि इस पूरे विवाद के बाद उन्होंने अपने ही फैसले पर पलटी मार ली। जया बच्चन ने बाद में खुद ही अपने नाम में पति अमिताभ का नाम जोड़ा और कहा कि उन्हें अपने पति पर गर्व है, उन्हें पैनिक अटैक आ जाता है। ऐसे में जब कंगना रनौत से इस पूरे मामले में सवाल पूछा गया तो वह कहती है, ये तो काफी शर्म की बात है। नेचर ने महिला और पुरुष को अलग अलग बनाया है, उनमें एक अंतर है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है न कि फेमिनिज्म के नाम पर कुछ महिलाएं गलत डायरेक्शन में जा रही हैं। हमारी सोसाइटी एरोगेंस की तरफ जा रही है, जो पूरी तरह से गलत है। लोगों को लगता है कि मेरी पहचान कहीं छूट गई है, उन्हें पैनिक अटैक आ जाता है। लोग इतना डरे हुए हैं कि ये कितनी गलत बात है। इससे पहले भी कंगना रनौत बॉलीवुड के कई सितारों पर निशाना साध चुकी हैं। वह अक्सर करण जौहर और महेश भट्ट जैसे फिल्म मेकर्स को निशाना बनाती रहती हैं।